हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी एक और मैंगो रेसिपी और वो है मैंगो बासुंदी। ये बहुत ही टेस्टी डेजर्ट है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंगो बासुंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। इसे आँच पर रखा है और इसे तब तक खौलाऊँगी जब तक कि ये आधा से 3/4 ना हो जाए। अगर आप रबड़ी बनाना चाहते हैं तो इसे और थोड़ा गाढ़ा करके तब इसमें आम के टुकड़े मिलाएं। 3/4 की कंसिस्टेंसी इसलिए भी चलेगी क्योंकि मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करूँगी, जिससे ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब एक चुटकी यहाँ पर मैंने केसर डाल दी है और इसे भी दूध के साथ पकाऊँगी। केसर जितना ज़्यादा उबलेगा उतना ज़्यादा फ्लेवर देगा दूध में। और अब दूध यहाँ खौलना शुरू हो गया है, तो आँच को धीमी करके इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। बीच बीच में दूध को मैं चलाते रहूंगी ताकि ये तले में लगे नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध लगभग आधा हो चुका है, तो अब इसमें मैं 500 ml कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी। ये घर का बनाया हुआ कंडेंस्ड मिल्क है और इसे डालकर अच्छी तरह मिला लूंगी ताकि ये तले में लगे नहीं। गाढ़ा होने के कारण इसके तले में लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसे तुरंत मैं मिला लूँगी। कंडेंस्ड मिल्क बनाने की रेसिपी आप नीचे दिए हुए लिंक में देख सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क डालने के कारण मुझे चीनी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चीनी का उपयोग कर रहे हैं तो 150 ग्राम चीनी आप इसमें डाल सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क डालने के कारण दूध ज़्यादा उबालना नहीं पड़ता और बासुंदी जल्दी बन जाती है। इस बासुंदी की रेसिपी में 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि दूध, कंडेंस्ड मिल्क और आम। यहाँ पर मैं अब आम डाल दूंगी। ये करीब 500 ग्राम आम है, जो कि 4 मीडियम साइज के आम में से गुदा निकालकर उसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन आम को डालकर मैं इसे करीब 5 से 7 मिनट के लिए और पका लूंगी। इसे कलछी की सहायता से आम के गुदे को आप चाहें तो पैन के साइड्स में हल्का हल्का दबाकर और नरम करके उसे पकाएं, तो इससे आम का फ्लेवर दूध में अच्छी तरह मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसे मैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आम के टुकड़ों का भी एक अलग फ्लेवर होता है बासुंदी में। आंच को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। इससे आम का फ्लेवर दूध में अच्छी तरह उतर आएगा और बासुंदी बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसमें मैंने 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह मिला लूँगी और करीब 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए काजू, पिस्ता, बादाम, इन्हें भी मैं डालकर अच्छी तरह पका लूँगी। थोड़ा सा मैंने अलग रख लिया है गार्निशिंग के लिए। तो बासुंदी अब तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म परोसें चाहे फ्रिज में ठंडा करके परोसें, ये बहुत टेस्टी लगेगा। सर्व करते समय इसे सर्विंग बोल में लेकर बारीक कटे हुए काजू, पिस्ता, बादाम से सजा कर सर्व करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसका आनंद उठाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना न भूलें, इससे आपको आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।